जबलपुर में भी उत्तर भारत और बिहार राज्य का प्रचलित महापर्व छठ पूरे परंपरागत तरीके से मनाया गया। पर्व को श्रद्धा उल्लास पूर्वक मनाने के लिए श्रद्धालु ग्वारी घाट और तिलवारा घाट में एकत्र हुए। जबलपुर के नर्मदा घाट, तिलवारा घाट और ग्वारी घाट में उत्तर भारत और बिहार झारखंड के रहने वाले लोगों द्वारा धूमधाम से मनाया गया पर्व। गौरतलब है कि पर्व के प्रथम दिन महिलाओं ने सूर्यास्त के पूर्व भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा पाठ के साथ व्रत का शुभारंभ किया। इस दौरान बांस के बर्तन में फल सब्जी सहित अन्य नैवेद्य छठ माता व भगवान सूर्य देव को भोग स्वरूप अर्पित किए गए। बताया जाता है कि छठ पूजा के दिन सूर्य देवता की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान सूर्य को स्नान कर जलाशयों में अर्घ्य दी जाती है और उनके उपरांत विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे परिवार को दीर्घायु खुशहाली प्राप्त होती है। मान्यता है कि नवविवाहित महिलाओं द्वारा व्रत का पालन करने से उन्हें तेजस्वी बलशाली संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन माता कुंती ने व्रत का पालन किया था तो उन्हें भी बलवान और तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई थी। बताया जाता है कि पहले दिन बिना नमक के भोजन किया जाता है, दूसरे दिन निर्जला व्रत का पालन कर शाम को सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और तीसरे दिन सुबह भोर में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना कर व्रत का समापन किया जाता है। छठ पूजा आज हम लोगों ने किया काफी धूमधाम से, बहुत अच्छा लगता है। ये छठ पूजा जो हमारे यहाँ का यूपी बिहार के साइड के लोग ज्यादा करते हैं, एमपी के लोग तो बहुत कम करते हैं, तो ये बहुत अच्छा पर्व है। काफी अच्छा लगता है यहाँ घाट पे आना जाना, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रौनक है। मतलब कोविड के कारण थोड़ा सा कम है रौनक, लेकिन रौनक अच्छी है। दीपा सिंह, इस बार बढ़िया हम लोगों ने छठ पूजन मनाया और कल सुबह भी मनाएंगे और काफी अच्छा रहा सब कुछ। कोरोना को लेकर चर्चा चल रही थी, डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का देख, जैसा आप देख रहे हैं लोगों ने पहले से ही प्रशासन ने जो है काफी चूना उना डाल के रखा हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं, है ना। दूर दूर लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई। वैसे देखा जा रहा है कि 25% लगभग 25% ही आदमी जो है यहाँ से पूजन कर रहा है, नहीं तो आदमी अपने घरों से या फिर जो प्रवासी बिहार के यूपी के हैं उनके घर जा चुके हैं तो वहाँ से कर रहे हैं। सचिन से त्योहार जो जो मन्नत मानता है उसकी सब पूरी करते हैं, हमारी तो सब पूरी कर दी है ना भगवान ने, जो जो मांगे वो सब हमको दे दिए। सरोज सिंह ठाकुर की तैयारी बहुत धूमधाम से मना रहे हैं हम लोग, 3-4 दिन से लगे हैं इसी में, सर सफाई बहुत करके पूजा करने आए हैं हम लोग नर्मदा जी के घाट पर, और सरकार ने अच्छी बढ़िया बेदी एक एक परिवार के लिए एक एक जगह बस बैठने के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है इस बार। कभी भीड़ होती थी इस बार लेकिन काफी भीड़ भी कम है। हाँ, पहले तो बहुत भीड़ होती थी लेकिन इस समय तो बहुत भीड़ कम है, उसके हिसाब से बनाए हैं नगर निगम वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट।